नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। आज हम ऐसे आसनों की बात करेंगे जो कमर दर्द के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी है। जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कमर में सामान्य दर्द रहता है, तो उनके लिए ये दोनों अभ्यास योग के जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, ये रामबाण काम करते हैं। कैसा भी पेन हो आप, कमर दर्द देखिए, ये जब शुरू होता है और धीरे धीरे कुछ समय तक जब ये बना रहता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के रूप में भी उभर के आता है। आपके हर समय आपके दिमाग में ये अपना स्थान बना लेता है और व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। बस 24 घंटे उसके दिमाग में वो पेन चलता रहता है और कहीं ना कहीं ये एक तनाव की स्थिति जैसी स्थिति को उत्पन्न करता है और डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है कई बार पेशेंट। कुछ कमर दर्द के रोगियों को हमने देखा कि वो कमर दर्द के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप इन आसनों को करें और अपने तनाव को दूर रखें। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बस इन आसनों को करने की आवश्यकता है। तो कौन से ये दो आसन हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। सबसे पहले आप अपने हाथों और घुटनों पर इस प्रकार से अपने स्पाइन को सीधा करें। श्वास लेते हुए अपने स्पाइन को नीचे की ओर ले जाएं, गर्दन को आगे से ऊपर उठाएं। इस प्रकार से ऊपर की ओर खींचें, जैसे ऊंट की पीठ होती है, कैमल की पीठ। नीचे ऊपर, श्वास बाहर छोड़ें। जब ऊपर की ओर स्पाइन को खींचें, जब नीचे की ओर ले जाएं स्पाइन को, तो श्वास अंदर। फाइव टाइम्स इसे धीरे धीरे होल्ड करते हुए करें, वही लगभग 10 सेकेंड। किसी भी आसन को जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआती समय में आप 10 सेकेंड कम से कम होल्ड करें इस प्रकार से, फिर उसको कंटिन्यू करें 20 टाइम्स ऐसे श्वास के साथ। इस प्रकार से करते रहें आप, लगभग 20 टाइम्स करेंगे तो ये का अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास है शलभासन। शलभासन में आप दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर खींचें, पैरों को मिलाएं, पीछे से अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। यह अभ्यास स्लिप डिस्क में भी रामबाण काम करता है और खींचते हुए अपनी बॉडी को आगे से राइट हैंड, अपने दाएं हाथ को और बाएं पैर, राइट हैंड लेफ्ट लेग ऊपर की ओर इस तरह से उठाएं। श्वास अंदर, टू, नीचे ले जाएं। श्वास लेते हुए थ्री, खींचना है पूरा, जैसे कोई खींच रहा हो आपके हाथ आगे की ओर, पैर को पीछे की ओर, ऊपर उठाएं आप इसको। फोर, फाइव, सिक्स, इस प्रकार से इन अभ्यासों को करें। ये दो अभ्यास मैंने आपको बताए, इन दोनों अभ्यासों को यदि आप प्रतिदिन, तो ये शलभासन जो दूसरा अभ्यास मैंने आपको दिखाया, इसे आप दोनों साइड से 5-5 बार करें और होल्ड आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार करें। वो श्वास को जितना आप होल्ड कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई जबरदस्ती ना करें किसी भी तरह की, आप उसको करें और धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं, आसन की संख्या बढ़ाते जाएं। लगभग पहले दोनों साइड से 5-5 बार आपने किया, फिर आप इसको 7-10 बार इस तरह से बढ़ाएं। तो इन दोनों अभ्यासों को यदि आप करते हैं तो आपके बैक की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये
जो मैंने दो अभ्यास आपको बताए, ये मेरे 20 साल का योग का जो अनुभव है वो मैंने आपको निचोड़ के रूप में बताया है। तो आप निश्चिंत रहें, बस पूरे विश्वास के साथ इन दोनों अभ्यासों को करें तो मात्र 3 सप्ताह के अंदर ही आपके बैक के पेन में आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और आप खाने में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, ये वायु को बढ़ाती हैं, आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती है। जैसे अगर आपको गैस बनेगी तो आपका पेन बढ़ जाएगा। तो आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचें, अपने पेट को ठीक रखें, आहार को ठीक रखें, पानी अधिक से अधिक पीते रहें। गर्मियों के दिनों में अपने बॉडी वेट को, जितना आपका बॉडी वेट है उसको आप 10 से डिवाइड कर दें तो मैक्सिमम उतना पानी आप पी सकते हैं। अगर आप 70 केजी वेट है तो 10 से डिवाइड करें तो 7 लीटर आप पानी मैक्सिमम पी सकते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बैक की प्रॉब्लम बहुत अधिक लोगों को है, तो अधिक से अधिक लोगों तक ये दोनों आसनों की जानकारी पहुँचे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आयुर्वेद और योग से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ओम शांति।